परिस्थिति है, अगर 3 मई तक जो लॉकडाउन है इसको ध्यान में रख करके हमारी जो तैयारी है वो जुलाई से स्कूलों को खोलने की है, लेकिन इस बारे में जैसा केंद्र सरकार का और जैसा हमारे प्रदेश सरकार का निर्देश होगा उसी आधार पर निर्णय लेंगे। फिलहाल हमारी तैयारी जुलाई से स्कूल खोलने की। हमारे यहाँ जब 13 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में, जब लॉकडाउन नहीं हुआ था उसके पहले ही सावधानी के तौर पर स्कूल कॉलेज बंद करने का निर्णय लिया गया, उसके बाद 16 मार्च से हमारी परीक्षाएं प्रस्तावित थीं, तो लगभग एक सप्ताह बाद हम लोगों ने ये सोचा कि अभी परिस्थितियां शीघ्र सामान्य नहीं होंगी, तो हमने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का निर्णय हमने बहुत पहले ले लिया था। सर, इसमें सिर्फ यूपी बोर्ड है कि अन्य बोर्ड भी आएंगे 1 से लेकर 8 तक में? नहीं, हम तो बेसिक शिक्षा विभाग हमारे यूपी बोर्ड के अंतर्गत जो कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी हैं उन्हीं को बेसिक शिक्षा विभाग संचालित करता है, उनके बारे में हमें निर्णय लिया था। शेष हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यूपी बोर्ड के जो इंटर कॉलेजेज हैं उसमें भी जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक, 9 और कक्षा 11 इनको भी स्वतः प्रमोशन देने का निर्णय माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने भी ले लिया है, तो वहां पर भी ऐसा कर लिया गया है। और हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं तो हमारे प्रदेश में पहले से ही संपन्न हो चुकी है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एचआरडी मंत्री को पत्र लिखा है और कोरोना काल में शिक्षा को लेकर बड़े बदलाव होंगे, ये कहा है, बच्चों को बेहतर और ज्यादा ख्याल रखने वाले स्कूल दें, स्कूलों को साहसिक भूमिका के लिए तैयार करना होगा, अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये हमारी ऐतिहासिक भूल होगी। वरुण सिन्हा और जानकारी दे रहे हैं। वरुण, मनीष सिसोदिया क्या कहना चाह रहे हैं सरकार से? कि हरियाणा के बाद जो है वो दिल्ली सरकार पूरी तैयारी करके बैठी है कि स्कूल उसे खोलने हैं तो वो कैसे खोले। पहली बात कि प्रिपरेशन के लिए केंद्र सरकार से इजाजत मांगी गई है, दूसरी बात ये कि क्या स्कूल एसोसिएशन, स्कूल के तमाम जो लोग हैं, तमाम संसाधन जो जुड़े हुए हैं स्कूल एसोसिएशन के साथ, उनसे बातचीत करके कोई रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा। और अपनी लेटर में डिप्टी सीएम ने बात को स्पष्ट कर दिया कि वो चाहते हैं कि जुलाई में पहले सप्ताह से स्थिति ऐसी बने कि दिल्ली में अगर स्कूल खोलने के हालात बनते हैं तो दिल्ली सरकार उसके लिए तैयार नजर आए। लगातार एक बात स्पष्ट है कि अभी भी कई सारे क्या अधिकतर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा अभी स्कूल ना जाए, और ऐसी परिस्थिति में चाहे हरियाणा की बात कर ले आप, चाहे दिल्ली की बात कर ले, जो हालात नजर आ रहे हैं सड़कों पर, बड़े तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर नहीं रहे, तो फिर आप छोटे बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं, कैसे नर्सरी और फर्स्ट क्लास के बच्चे को आप समझाएंगे कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, कैसे बार बार आपको सैनिटाइजर यूज करना सिखाएंगे। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम बातें हैं जो इस समय पेरेंट्स।